नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केळकर। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम पे। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम यानि बहुत ज़्यादा वीकनेस या थकावट लगना, और थोड़ा भी काम किया तो भी ऐसे लगना कि बाप रे कितना मैंने, यानी हद से ज़्यादा थकावट होना, इसको बोलते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। जनरली ये 40 to 60 एज में दिखाई देता है, या 60 प्लस में भी दिखाई दे सकता है। मेल्स के मुकाबले फीमेल्स में ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके कॉजेज यानी एक तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तो है ही, दूसरा यानी इम्यून सिस्टम जैसे जैसे डाउन होती है एज के हिसाब से, तो उसकी वजह से ये फटीग और थकान ये बढ़ते जाता है इम्यून सिस्टम डाउन होने की वजह से, या प्रोसेस में होने की वजह से, इसकी वजह से भी हो सकता है, या कुछ वायरल इन्फेक्शंस में भी फटीग बहुत ज़्यादा मिलता है और उसकी वजह से भी ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम दिख सकता है। अब इसमें जैसे जनरल में होता है कि लोग फर्स्ट टाइम तो साइकेट्रिस्ट के पास नहीं आते हैं, काफ़ी डॉक्टर्स, उनके फैमिली डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट होने के बाद, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल निकलने के बाद, जब डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं है, आपको फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप शायद ये साइकेट्री या स्ट्रेस की वजह से होगा, तो आप साइकेट्री से जाके मिलिए, तो तब ये सब होने के बाद वो रिपोर्ट्स लेके हमारे पास आते हैं। रिपोर्ट्स तो नॉर्मल, ऑलमोस्ट नॉर्मल ही होते हैं, तो उसकी वजह से उनको एज स्ट्रेस की वजह से होने वाला प्रॉब्लम करके हम ट्रीट करते हैं। इसमें हमको क्या क्या लक्षण मिलते हैं? एक तो बहुत थकान लगना, वीकनेस बहुत आना, यानी एकदम से ऐसा लगता है कि पूरी जान निकल गई है। उसके साथ साथ हाथ पैर में या फिर जॉइंट्स में पेन होना, थोड़ा भी चला तो भी ऐसा लगता है कि बाप रे कितना चल लिया, थोड़ा सा भी काम किया तो ऐसा लगता है कि बाप रे कितना काम कर लिया, काम कर लिया कि सोना ही पड़ता है थोड़ी देर, फिर ही अच्छा लगता है। उसके बाद हेडेक होना, या फिर थोड़ा सा फीवरिश लगना, ऐसा लगना कि बुखार आ रहा है कंटिन्यूस, अंदर से ऐसा लगता है कि बुखार आता है, भले ही हाथ लगाया तो गर्म नहीं रहता है लेकिन ऐसा लगता है कि अंदर से बुखार आ रहा है, हेडेक जैसे मैंने बोला। और उसके साथ साथ ना खाने की भी इच्छा नहीं होती है, एसिडिटी होती है, या फिर पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ये सब लक्षण हमको साथ में मिलते हैं। अब इसमें जनरली अगर स्ट्रेस रिलेटेड है तो हम एंटी डिप्रेसेंट्स ही देते हैं, फ्लुऑक्सेटिन है, सर्ट्रालीन है, एसिटालोप्राम है, जो ये प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ न्यूट्रिशियस डाइट लेने का हम एडवाइस करते हैं, प्रॉपर स्लीप लेने के लिए बोलते हैं, स्लीप की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो उसके वजह से अगर 6 to 8 hours अगर हम अच्छे से स्लीप ले, नींद ले, तो भी हमारी थकान कम हो जाती है। एक्सरसाइज भी लेना ज़रूरी है। जैसे फटीग में प्रॉब्लम यह है कि लोग हमको बोलते हैं हमको थकान ही होती है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि धीरे धीरे आप स्टैमिना बढ़ाइए। एक दिन में मैं नहीं कहती हूँ कि आप 5 kilometers का वॉक लीजिए, या फिर और एक्सरसाइज, कोई स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन अगर आप आधा किलोमीटर भी हफ्ते में बढ़ाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो धीरे धीरे आपका स्टैमिना बढ़ाइए। पेसिंग यानी चलना, वो भी एक प्रकार का एक्सरसाइज है। अगर आपको जहाँ लगा कि नहीं अभी नहीं हो रहा है मुझसे, तो आप बैठ जाइए। तो ऐसे कुछ एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ काउंसिलिंग का इसमें बहुत अच्छा रोल है। क्या इश्यूज है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, स्ट्रेस है तो ये काउंसिलिंग में आपको काफ़ी हेल्प इसमें मिलता है। तो ये था क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के बारे में जानकारी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मानसिक बीमारियों के बारे में जानकारी पहुँचे। नमस्ते।